हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ ये कंपनी एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों जब इसका आईपीओ आया तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो धुआंधार रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मतलब कि अगर हम बात करें कि आईपीओ के टाइम पे ये आईपीओ करीब करीब आपको 250 रुपया के करीब करीब आता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में जो रैली देखने को मिला ये 1300-1400 रुपया क्रॉस करता हुआ नजर आया हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और आज की डेट में ये कंसोलिडेट होते होते ये स्टॉक है जो बहुत ही निचले लेवल पे आ चुका है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे आपको जो देखने को मिल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो शेयर 805 रुपया देखने को मिल रहा है। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करेंगे प्रीवियस डे में यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश किया, तो यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स कैसा रहा जो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो क्या आने वाले 1-2 सालों में इस स्टॉक में क्या अब तूफानी तेजी वापस यही तूफानी तेजी देखने वाला है या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड की पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें, और यहाँ पे आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। इसके साथ साथ अगर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकें, तो यहाँ पे अपस्टॉक और जीरोदा का यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है लिंक, वहाँ से जाके आप तुरंत अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। इसमें बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। एक तरह से अगर हम देखें कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग होगा, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोएस्ट ब्रोकरेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अपस्टॉक के अंदर, खास करके अगर हम बात करें तो अपस्टॉक में आपको ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम चलते हैं, अब बात करते हैं इसके अबाउट। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक तरह से रिकमेंडेशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगा, ओनली यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहे हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बता रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स की खास करके, तो देखते हैं मार्च 2023 के अंदर यहाँ पे कंपनी का 79 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और मार्च 2024 के अंदर अगर आप देखोगे तो 96 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो 10% का है, खास करके 417 करोड़ का यहाँ पे सेल्स करती हुई नजर आई, 378 करोड़ से 417 करोड़ पे सेल्स आ गया कंपनी का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो मार्जिन है उसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिला है। 24% का जो मार्जिन कंपनी की कंसिस्टेंट रखती थी 23% 24% का, वो मार्जिन 24% से घट के 20% पे आ गया। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 58 करोड़ से बढ़ के 72 करोड़ होता हुआ नजर आया है, यानी प्रॉफिट में एक तगड़ा जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप आज के डेट में देख सकते हैं शेयर प्राइस में कोई डाउन ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ तक इसका शेयर प्राइस है जो अपसाइड ही आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो कंपनी कंटिन्यू और कंसिस्टेंट वे में ग्रो करती हुई नजर आई, 590 करोड़ 2019 में जो आज 1625 करोड़ का सेल्स कर रही है। इसके साथ साथ जो 14 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती थी आज 248 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, यानी मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ तो वो उसी लेवल पे है जिस लेवल पे पहले था, लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस में ग्रोथ उस लेवल का अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें कि कंसोलिडेशन चल रहा है, और कंसोलिडेशन में जो लोग यहाँ पे टिक गए उन्हीं को ये अमीर बनाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर की कि बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस खास करके अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं रिसेंटली, और DIIs यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे अदर्स की शेयर होल्डिंग भी कम होता हुआ नजर आया है।
तो कुल मिला के लोग यहाँ पे शेयर प्राइस यहाँ पे गिरने का मेन रीजन है कि लोग बेच रहे हैं, और यहाँ पे प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग काफी ज्यादा कम किए हैं। बीते 2-3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 50.24% की होल्डिंग पे आ गए हैं यहाँ पे प्रमोटर खुद। तो यहाँ पे प्रमोटर भी काफी ज्यादा बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात खास करके चर्चा किया जाए तो बैलेंस शीट में काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। कंपनी जो अपने एक तरह से रिजर्व्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। जो मार्च 2019 में 94 करोड़ का यहाँ पे निगेटिव में था वो यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुकी है। लेकिन 512 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग भी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो इन्होंने बोरोइंग थोड़ा सा कम करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन इस बार अभी तक ना इन्वेस्टमेंट की है ना CWIP में वर्क करती हुई नजर आए। इसके साथ टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट्स की बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कंपनी का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम देखें तो इस कंपनी की जो की पॉइंट्स की हैप्पीएस्ट माइंड्स की चर्चा करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे मार्केट कैप 12,274 करोड़ का है। और एक कंपनी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन AI पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर AI से रिलेटेड आपको पता होगा पहले तो यहाँ पे AI से रिलेटेड एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट जनरेशन IT सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी ने 2011 में स्टेब्लिश हुई है कंपनी। और इस कंपनी के जो अभी के टाइम पे अगर आप PE देखोगे तो 51 पे, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री PE से अभी भी इसका PE ज़्यादा है। जहाँ तक HCL और TCS और इंफोसिस के देखोगे तो यहाँ पे PE उनका अभी भी बहुत कम है, लेकिन इनका PE है जो इंडस्ट्री PE से ज़्यादा, अभी भी मार्केट इनको ज़्यादा PE दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देती है। इसके साथ अगर हम देखें तो कंपनी के जो ROC या ROE है ये दोनों काफ़ी शानदार नज़र आता है कंपनी का। कंपनी का रिजर्व यहाँ पे अच्छा है और यहाँ पे EPS भी 16 रुपया 30 पैसा जनरेट करती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5 रेटिंग दिया गया और ग्राहम नंबर के प्राइस है जो 189 रुपया यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 51 का देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे PE है जो 51 पे है जो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही चुका हूँ। और पैग रेशियो की बात करें तो 0.94 है, बहुत कम है, काफ़ी अच्छा हमें लगता है अभी के टाइम पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का मौका हो सकता है दोस्तों। लेकिन मेरे तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा, ओनली लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो समझिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया इतना दिखने के बावजूद भी, तो वीडियो को लाइक कर दें आपसे रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप स्टॉक का आप चूज कर सकते हैं, आप स्टॉक पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रेड लाइन अगर देखें तो यहाँ पे एक तरह से जो चार्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें खास करके कि जो एक तरह से फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आप स्टॉक भी बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए आप यहाँ पे आप स्टॉक पे ओपन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से ओपन करके आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।